गाइस रात होने वाली है, बारिश का मौसम, ओले गिर रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी, आ रही है ना, ओले गिर रहे हैं, देख सकते हो कितना प्यार। यहाँ पे हमने टिकट ले लिया है हरिद्वार के लिए, 30 घंटे बाद में नंबर आता है तो वैष्णो माता के दर्शन करेंगे। मेरी मम्मी इतनी स्ट्रांग है, मम्मी के पैर दुख रहे हैं फिर भी मम्मी चल रही हैं, और डैडी भी घोड़े पे, मैंने कहा था डैडी को, बट डैडी पैदल आ रहे हैं। यात्रा को और खूबसूरत बना सकते हो, खाते खाते चल सकते हो, ज़्यादा मत खा लेना, कभी चला जाए, चलो चलते जाओ चलते जाओ। चलते चलते अभी हरिद्वार भी नहीं आया है गाइस, बहुत ही अच्छी और प्यारी चढ़ाई है, अच्छा ही बोलेंगे तब ये चढ़ पाएंगे। गाइस अपने फ़ोन से अगर आप वीडियो बना रहे हो, मेरी तरफ ब्लॉग शुरू कर रहे हो, तो प्लीज़ फ़ोन का ध्यान रखना और टाइटली पकड़ना, कि बंदर बहुत है यहाँ पे, बंदर क्या करता है आपको पता है। गाइस आपको ऐसे जीने दिखते जाएंगे, ऊपर सीढ़ियाँ और ये प्लेन रास्ता, यहाँ से प्लेन है, तो आप सीढ़ियों से भी जा सकते हो, बट सीढ़ियाँ जल्दी पहुँचा देंगी, बट थकान बहुत होती है, मैं चला था इसलिए हम प्लेन से ही जाएँ, तो प्लेन से थोड़ा टाइम लगेगा बट पहुँच जाएंगे अभी। गाइस यहाँ घोड़े संभाल के आना और बैग लेके आ रहे हो, घोड़ा लेके आना, उसमें पानी की बोतल जरूर डाल लेना, बोतल डाल लेना, खाली भरी ले यहाँ सामान, पानी वाले पम्प नल वाले आपको मिल जाते हैं, ठीक है, तो चलो चलते चलते। गाइस तो आपने देखी होगी हरिद्वारी, वहाँ पे मैं स्टे करना है और वहाँ गुफा से फिर हम निकलेंगे, आधी जा लिया वहाँ तक पहुँचने के बाद, चलते चलो। गाइस हम हरिद्वारी की तरफ चल गए हैं, माता रानी का नाम लेके, हरिद्वारी के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, मैं पहुँच के बताऊँगा, चलो मैं आपको पहुँच के दिखाऊँगा और मैं बताऊँगा इसकी स्टोरी क्या है, तब तक जा रहे हैं माता दी, देखते जाओ चलिए।
मेरी मम्मी इतनी स्ट्रांग है, मम्मी के पैर दुख रहे हैं फिर भी मम्मी चल रही है, और डैडी भी घोड़े पे, मैंने कहा था डैडी को, बट डैडी पैदल आ रहे हैं। ऐसी होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे हमने टिकट ले लिया है अर्थक्वारे के लिए, 30 घंटे बाद वो नंबर आता है, तो जब तक हम वैष्णो माता के दर्शन करेंगे, नेक्स्ट डे हमारा रास्ता करेंगे। गाइस हम ऊंचाई पे बैठे हैं, यहाँ खड़े हो यार चार बंदे, सामने दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे भी सकते हो या टिकट लेके सीधा 30 घंटे बाद हम जा सकते हैं अर्थक्वारी गुफा में, तब तक आप माता के दर्शन कर सकते। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अर्थक्वारी। मैं आके आपको स्टोरी बताता हूँ। जब भैरवनाथ को लगा था कि माता, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो छोटी बच्ची की तरह उन्हें देख रहा था, बट वो माता रानी थी, तब वो ना अपनी तपस्या को पूरी करने के लिए गुफा में जाके गई थी। 9 महीने तक उन्होंने तपस्या करी थी, और हनुमान जी जिनके लिए बाण हल्के पानी प्रकट किया था, वो वहाँ पर उनकी रक्षा कर रहे थे, ठीक है। फिर वो जब 9 महीने तक रही थी, जब वो 9 महीने तक वहाँ पे रही थी, तब वो वहाँ पे देख रहे थे, और भैरवनाथ वहाँ पे पहुँच, भैरवनाथ उनसे बोल रहा था कि मेरे को उन्हें मारना है, छोटे बच्चे समझ के उन्हें मारना है, ठीक है। बट हनुमान जी ने उन्होंने कहा कि उन्हें तपस्या करने दे, वो आदिशक्ति जगदम्बा है, ठीक है। तब माता रानी दूसरे गुफा से बाहर निकल के, ठीक है, बाहर आ गए, उन्होंने देवी का रूप मान धारण कर लिया। फिर वो हनुमान जी से युद्ध करने लगा भैरवनाथ, उन्हें पता नहीं था, बट वो युद्ध चलता रहा। फिर आदि जगदम्बा ने, मतलब वैष्णो माता ने, बाहर निकल के देवी का रूप धारण किया, और भैरवनाथ वध कर दिया, उनका युद्ध खत्म नहीं हुआ। इस गुफा में रहकर 9 महीने तक उसे अर्थक्वारी का समझ आ गया। चलिए आगे करते हैं अर्थक्वारी गुफा। माता जी चलने वाले हैं वैष्णो देवी की यात्रा की तरफ अर्थक्वारी, 30 घंटे का वेट करने के बाद आएगा, तब तक हम घूम के वहाँ पे स्टे करके नेक्स्ट डे आएगा हमारा नंबर। और मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा, एंजॉय कर रही है, मौसम भी बढ़िया। जय माता दी, जय माता दी। हिमकोटी कह रहा हूँ, हिमकोटी। रात होने वाली है, बारिश का मौसम, ओले गिर रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी, आ रही है ना, ओले गिर रहे हैं, देख सकते हो तो कितना प्यारा मौसम हो गया है, ओले गिर रहे हैं यहाँ पे, ऊपर लेकिन ऊपर लगी है शीट, सो आवाज़ें आ रही है। अमेजिंग व्यू, अमेजिंग वैष्णो देवी माता का, दिखाता हूँ मैं आपको हर। जय माता दी, फिर भी हम चलेंगे।
जय माता दी। हाँ चलो ओले गिर रहे हैं बारिश हो रही है। इधर देख रही है ऐसे कैसे भाई। जहाँ बारिश आ चुकी है मौसम बदल गया एकदम से, सभी हम लोग यहाँ वीडियो हैं रेडी हुए हैं। पूरा मौसम बदल चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ सामने से। ओ भाई प्यारा वेदर हो रहा है। ये मम्मी है, इतनी थक गई है फिर भी चल रही है क्योंकि ये माता का जादू है, माता की शक्तियाँ हैं। जय माता दी। और वो रहे डैडी, डैडी थक गए बट श्रद्धा और शक्ति होना माता की निकाल बाहर तो क्या ही चीज है। चलो यहाँ कैसे वैष्णो माता के दर्शन वैष्णो माता के यहाँ फोन ले जाना अलाउड नहीं, तो मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पाया, मैं कुछ फोटोज आपको दिखा सकता हूँ ठीक है। और वहाँ पे जाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर एक दुर्गा भवन है, दुर्गा भवन में स्टे कर सकते हो, एक नया भवन मिला है फ्री में, वहाँ डोर मेट्री मिलती है आपको ठीक है, डोर मेट्री फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है, वहाँ पर रह सकते हो। खाने का भोजनालय सिर्फ भोजनालय है, वहाँ पर आ जाकर खा सकते हो ठीक है, ये मैं दोस्त है। और जहाँ से जल्दी से आप चेंज कर रहे हैं डोर मेट्री में जाती है। चल रहे हैं डालो, हम जाने वाले हो भैरवनाथ के लिए, ये भैरवनाथ के बिना वैष्णो माता की चलते। चलो आपको दिखाते हैं कैसे रूप में जाया जाता है, रात में हम स्टे करते हैं दुर्गा भवन में, मैंने आपको बता दिया बहुत शानदार बना हुआ है। Oh,
जब आप वैष्णो माता कम्प्लीट कर दे तो भैरवनाथ पे जरूर जाना, क्योंकि वो कम्प्लीट मानी जाएगी कैन, क्योंकि भैरवनाथ से फिर आप वापसी आते रोपवे में वो कम्प्लीट होती है। चाहे कितनी भी लाइन हो आपको भैरवनाथ जाना है, तभी वैष्णो माता की यात्रा कम्प्लीट होती है, इस चीज़ का याद है। गाइस हम चल रहे हैं भैरव माता के रोपवे से, देख सकते हो मजा आ रहा है। तो गाइस हमने टिकट ले ली है, टिकट आप बैग में चलते हैं भैरव बाबा के रोपवे से। पहाड़ तो ऐसे लग रहे हैं भाई। जय माता दी। वीडियो बननी है जा रहे हैं रोपवे से, जिसकी फीस 100 रुपये है जाने और वापसी आने की। भैरव जय माता दी, जय माता दी, भैरवनाथ बोलो। जय माता दी, जय भैरव बाबा की जय, भैरव बाबा की जय। जसरा लाल के चढ़ रही है। जय माता दी, 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 जय माता दी,
सो गाइस ये हमारे भैरव माता बाबा के दर्शन हमारे कंप्लीट हुए हैं भैरव बाबा के। देख सकते हो कितनी भीड़ है। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली रोहित बेटी थी मतलब मना थी तो इसलिए मैंने नहीं कर पाया। वैष्णो माता के भी आपको पता है ठीक है। बाकी मैं आपको यहाँ का व्यू अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। लेट्स एंजॉय द व्यू। एक मिनट यहाँ पे खड़े रहो बता मैं एक लोकेशन चूज कर ले रहा हूँ मिल जाएगा तो कर ले ना। लेट्स लुक द व्यू गाइस। ऊंचाई पर बैठे हम गाइस। हम माता के दर्शन करके वापस आ रहे हैं। डैडी है भैया क्यों कर दो ऐसे क्यों कर दो। डैडी है भैया और मम्मी है। जय माता दी। दर्शन हमारे कंप्लीट हुए। जय माता दी। ले रहा हूँ पहले जय माता दी। अविनेश और उर्मिला जो ज्यादातर थे अपने लोगों से अर्थवारी खीर के ऊपर मिले। जय माता दी। टिंकू रोमिया अधिकार जो युवा अपने लोगों से अर्थवारी खीर के ऊपर मिले। सिग्नल ही नहीं है भैया। फोन कहाँ से होगा।